हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज आप लोगों के बताने वाले हैं, जैसे कि टाटा स्टैंड फैन है तो बहुत स्लो चल रहा है, तो इसमें कैपेसिटर और कंडेंसर कैसे लगाएं। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान। जैसे कि जो कंडेंसर होता है जल जाता है, आप लोग लगा नहीं पाते हैं, तो बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो के माध्यम से आज आप लोग को लगा के दिखाते हैं कैसे लगाना है। तो आइए, चलिए वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो और जिम कराए कि कंडेंसर है, और कंडेंसर को कैसे हमको चेंज करना है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, इसको अच्छे से इसको खोल लेना है। खोलने के बाद देख सकते हैं इसमें दो वायर है, अब कुछ भी नहीं करना है, दोनों वायर को यहाँ से काट देना है। दोनों वायर काटने के बाद बस स्टार्ट हो गया। तो हेलो फ्रेंड, देख सकते हैं कंडेंसर आपको लगा के दिखाए हैं बहुत ही सिंपल तरीका से। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, जैसे ये कंडेंसर का दोनों वायर था, दोनों वायर इसी पे काट के इसी पे जोड़ दिए। बहुत ही सिंपल तरीका है, इसमें कोई माइनस प्लस कुछ भी नहीं होता है। जैसे इसमें बताते हैं क्या होता है, जैसे कि फराटा फैन है तो 4 mFD का होता है, मतलब 4 एम्पियर, 4.25, 3.15 और 2.5 का आता है, इसमें 4 ही लगेगा। सीलिंग फैन है तो 3.15 लगाएं, और छोटा फैन है टेबल या सीलिंग तो उसमें 2.5 का लगाएं और 3.25 का ही लगाएं। और स्टैंड फैन फराटा जो भी हो 4 mFD का लगाएं, जो देख सकते हैं 4 mFD यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसी को लगाना है। तो मात्र मिलने वाला आप लोगों को कंडेंसर 3500 रुपये में, वो भी चाइनीज वाला। मैं आपको हैवेल्स का दूंगा, मात्र 3500 रुपये में दूंगा हैवेल्स का, बहुत ही सस्ता में, जो कि MRP रेट है 199 रुपये, 50 से 60 रुपये मार्केट में बिकता है। मात्र आपको 3500 रुपये में देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।